वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हम जानेंगे कि डाटा सेंटर क्या होता है, व्हाई आई नीड डाटा सेंटर एंड डीसी सर्विसेज। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ अ डीसी। डीसी एक ऐसा रूम होता है जिसमें हम कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्क रख सकते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड वाला पर्सन गलती से भी किसी चीज़ को बंद ना कर दे। व्हाई आई नीड डीसी, हमारे को डीसी ज़रूरत क्यों होती है? ये हमारे को बिजनेस में सपोर्ट करने के काम आता है। डीसी सर्विसेज, डीसी सर्विसेज बहुत टाइप की होती है, जस्ट लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। अभी हम बात करते हैं सर्वर की। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर और मेल सर्वर। फाइल सर्वर हमारे फाइल की ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और डाटाबेस सर्वर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडर डाटाबेस सर्विसेज, एंड मेल सर्वर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडर मेल सर्विसेज। देन हम बात करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रेड, रेड 0, रेड 1, रेड 3 एंड रेड 5। रेड 0 इज़ यूज टू स्ट्राइपिंग द डाटा, रेड 1 इज़ यूज टू मिररिंग द डाटा, रेड 3 इज़ यूज टू डाटा स्ट्राइपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, एंड रेड 5 इज़ यूज टू डाटा स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटिव पैरिटी। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क इज़ अ लाइक रूटर और स्विच। इट्स प्रोवाइड अ नेटवर्क, एंड देन इज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक अ फायरवॉल, एक ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। देन इज एप्लीकेशन, जस्ट लाइक MS ऑफिस की एप्लीकेशन होगी और डाटाबेस की एप्लीकेशन होगी। देन हम बात करेंगे ट्रेडिशनल डाटा सेंटर एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस की। इसको बहुत सारे एसोसिएटेड चैलेंजेस मिले थे, जैसे कि रियल एस्टेट, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, हायर लीड टाइम, हाई मेंटेनेंस, नॉट अ कोर बिजनेस। फर्स्ट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब कोई एक रूम जिसमें हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सकें। नेक्स्ट इज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो कंपनी के द्वारा फिजिकल असिस्ट होता है और कंपनी के इसमें लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल भी करता है। नेक्स्ट इज़ हायर लीड टाइम। हायर लीड टाइम मतलब डाटा सेंटर को बनाने के लिए हमें 3 से 4 भी और 6 महीने भी लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस जिसमें हमारे को लॉट ऑफ टाइम चाहिए होता है, लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ एफर्ट्स भी चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ नॉट अ कोर बिजनेस। ये एक ऐसा मतलब ये हमारे DC में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, और उनका सिर्फ यही मोटिव होता है कोर बिजनेस का IT बनाना। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम IT बनाने वाले को कभी ये नहीं बोल सकते कि आप मेरा ओवन ठीक कर दीजिए और फ्रिज ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ IT जानता है, वो कभी इन चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहता, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्टली हम इसमें ये देख लेते हैं कि क्लाउड ने बहुत सारी ये चैलेंजेस को सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? फर्स्ट इज़ अ पे एज यू गो। जितनी सर्विसेज हमें चाहिए उतने का पे करना होगा, और जितने ओवर्स के हिसाब से हमें सर्विस चाहिए उतना भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट मांग रहा है और वो उसी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप इतना वेट करिए या इतना टाइम लगेगा। ऑन डिमांड वर्ड से ही समझ आ रहा है, उसी टाइम अवेलेबल होनी चाहिए वो चीज़। अवेलेबल ओवर इंटरनेट, इसका मतलब है कि जैसे कि कोई मेल होगी, कोई फाइल होगी, ये सब इंटरनेट पर ही आपको अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स पुल। रिसोर्स पुल जैसे कि वो होता है जो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जस्ट लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। मल्टी टेनेंट। मल्टी टेनेंट एक सेवरल और डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करे इसमें सेम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे। ओके, नेक्स्ट इज़ अ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इज़ जस्ट लाइक अ बजट। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर ट्रैवल कर रहा है बाय एरोप्लेन, तो वो इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास में से सिर्फ इकोनॉमिक क्लास को चूज़ करेगा, बिकॉज वो एक थोड़ी चीप हो जाती है और बिजनेस क्लास थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है।
ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स। यहाँ बहुत सारे टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं VMware, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, Amazon वेब सर्विसेज, Azure। ये मार्केट में बहुत मतलब फेमस हैं ये सारे के सारे प्रोवाइडर्स, और अगर आप इनको गूगल पे सर्च करते हो तो ये और इनके अलावा बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको मिल जाएंगे। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, Azure और Amazon वेब सर्विसेज ये सबसे टॉप पे आती हैं इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गूगल क्लाउड, एट एंड ऑफ द डे इट्स क्लस्टर ऑफ डीसी। इन इन डेस्टिनेशन पे और भी बहुत जगह गूगल के डाटा सेंटर्स हैं। क्लाउड नेक्स्ट हम आप देखेंगे गूगल क्लाउड सर्विसेज, गुड न्यूज़, यू ऑलरेडी यूज़ क्लाउड इन योर डे टू डे लाइफ। हम पहले बात करेंगे क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा मोड ऑफ कंप्यूटर होता है जो डाटा को स्टोर करता है ऑन सर्विसेज पे इन ऑफ साइट लोकेशंस पे, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव आप एग्जांपल स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो ML। ऑटो ML इज़ अ ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग होती है जो मशीन को अप्लाई करती है और मॉडल्स को लर्न करती है टू रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज विजन AI। विजन AI मीन्स किसी भी चीज़ को देखकर उसे स्कैन कर लेना, जस्ट लाइक अ गूगल लेंस। और फॉर एग्जांपल पेटीएम, पेटीएम भी आप सब चलाते हैं, आपने देखा है कोई से भी QR कोड को स्कैन करता है, मीन्स रीड कर लेता है और वो पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट हम करेंगे वीडियो AI। वीडियो इज़ ऑल्सो लाइक अ विजन AI बिकॉज वीडियो देखकर हम कोई भी चीज़ को आसानी से रीड या समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ गूगल असिस्टेंट जिसमें हमार को जो लिखा हुआ है उसे वो ट्रांसलेट कर देगा, और स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब है जो बोला गया है उसे वो लिख कर दे देगा। नेक्स्ट इज अ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज आप दो कलर्स देख रहे हैं, ब्लू एंड रेड। इसमें क्या होती है, ब्लू जो होगा वो हम मैनेज करेंगे एंड जो रेड होगा वो कोई और मैनेज करेगा। जैसे फर्स्ट है ऑन प्रीमाइसिस में एप्लीकेशन, डाटा रन टाइम, मिडलवेयर, OS, विजुअल सर्विसेज, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आता है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एप्लीकेशंस, डाटा रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम मैनेज करेंगे। और वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। नेक्स्ट आता है PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एप्लीकेशन, डाटा, ये हम प्रोवाइड करेंगे और मींस मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज अ रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी के ऑप्शन जो देख रहे हैं आप वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। एंड नेक्स्ट इज SaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये कोई और मैनेज करेगा, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ये हम डेली लाइफ में ही यूज़ करते हैं थ्रू मेल और गूगल ड्राइव। ओके, देन हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज को विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंप्यूट हो, स्टोरेज हो, नेटवर्क हो, एप्लीकेशन हो। एंड पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड ऐसी क्लाउड होती है जस्ट लाइक जीमेल। जीमेल को सब चला सकते हैं क्योंकि वो पब्लिकली अलाउड होती है। और हाइब्रिड क्लाउड वो होती है जो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर होता है, कि वो क्लाउड पब्लिक भी होगी और प्राइवेट भी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ अ कैरियर ऑप्शन एंड रिक्वायर्ड स्किल सेट। इसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, जस्ट लाइक डाटा इंजीनियर एंड डाटा साइंटिस्ट। और इसकी रिक्वायर्ड स्किल होती है कि SQL, डाटा वेयर हाउस, कोडिंग, इन इन स्किल्स पर हमार को काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में हमार को R, जावा, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। और जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी तो वो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग बहुत आराम से कर सकता है। नेक्स्ट इज रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस ऑफ डाटा एंड ML। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बिग डाटा इन इलेक्शन कैंपेन। सेकेंड इज वॉलमार्ट यूज्ड बिग डाटा टू प्रेडिक्ट एसेंशियल सप्लाइज ड्यूरिंग साइक्लोन। नेक्स्ट इज़ गूगल ट्रांसलेट, वॉइस सर्च, गूगल लेंस, ये सब आपने यूज़ किए गए होंगे। नेक्स्ट इज़ IBM वर्स्टन कैन प्रिडिक्ट अबाउट अ डिजीज़ बेटर देन डॉक्टर्स।
wearables, predictions about server health condition like heart attacks. Next, how it is linked to cloud? ये cloud से कैसे linked हो सकता है? Cloud provides unlimited computing power. जो cloud होता है वो हमारे को unlimited computing power provides करता है. Second is उसकी एक demand भी होती है. Next is pre-built product and services to consume health faster to the market. अब हम next देख लेते हैं. Next career options क्या है? Security professional. Security professional में हमें firewall, antivirus, dynamic, security postures पे skills पे काम करना चाहिए. अब हम पढ़ते हैं कि security mandatory क्यों होती है. जैसे कि एक हॉलीवुड मूवी आई थी डाई हार्ड 4.0, जिसमें पूरी एंटायर सिटी हैक्ड थी. नेक्स्ट इज़ अ हार्ट पेसमेकर हैकिंग इन होमलैंड. थर्ड इज़ आईओटी डिवाइसेस हैकिंग. आईओटी मींस मैंने आपको बताया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन डिवाइसेस को हैक करना. नेक्स्ट इज़ कनेक्टेड कार्स. ओके, नेक्स्ट करियर ऑप्शंस हम देखेंगे. डेवॉप्स इंजीनियरिंग के लिए हमारे को कोडिंग टूल्स लाइक जेनकिंस कंटेनर्स पे स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. क्लाउड आर्किटेक्चर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड हाउ दे फिट टुगेदर स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड सर्विसेज पे काम करेगा. दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.